दफ्तर के बाहर होर्डिंग, राजभर कसबा कार्यालय आने पर प्रतिबंध, राजभर पर प्रतिबंध की होर्डिंग लगाई गई। समाजवादी पार्टी के युवा नेता ने होर्डिंग लगाई। राजभर जी का सपा कार्यालय आना प्रतिबंधित। और इस खबर पे हमारे साथ जुड़ेंगे सपा के महासचिव अरुण। सपा के बाहर जो होर्डिंग लगाई गई है, इस पर आप क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? देखिए, सुहेल देव, भारतीय समाज पार्टी की बढ़ती हुई लोकप्रियता से सुहेल समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से बौखला गई है। श्री अखिलेश यादव जी पूरी तरीके से फ्रस्ट्रेशन के शिकार हो गए हैं, उनके कार्यकर्ता फ्रस्ट्रेशन के शिकार हो गए हैं। और जो इनका चरित्र रहा है, जो उनका चेहरा रहा है, गरीबों के साथ जुल्म करना, अन्याय करना, उनकी जमीनों को लूटना, अति पिछड़े अति दलित के साथ अन्याय करना, इनकी सरकार चार बार रही है, मुसलमान आजादी से पहले नौकरियों में 38% हिस्सेदारी था, लेकिन आज इनकी चार बार सरकार बनी, 1% भी हिस्सेदारी नहीं दे पाए, तो इनके दरवाजे पर, इनके कार्यालय में ना मुसलमान जाना चाहता है, ना अति पिछड़े जाना चाहते हैं, ना अति दलित जाना चाहते हैं, ना गरीब जाना चाहता है, ना वंचित जाना चाहता है। इसीलिए अब ये अपने ये जो इनका चरित्र रहा है कि गरीबों का जमीन लूट करके वहाँ होर्डिंग लगा देते थे, थाने में बैठ करके दलाली करते थे, लोगों को मुकदमों में फंसा करके उनको प्रताड़ित करते थे, तो ये स्पष्ट हो गया है कि समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से बौखलाई हुई है। और जनाधार जिस तरीके से हमारा बढ़ रहा है, हम महिला हक अधिकार महारैली कर रहे हैं, हमारे साथ हजारों की संख्या में महिलाएं खड़ी हो रही हैं, हमारे साथ युवा खड़े हो रहे हैं, हमारे साथ बुजुर्ग खड़े हो रहे हैं, हमारे साथ हर वर्ग के लोग खड़े हो रहे हैं, इससे स्पष्ट हो रहा है कि समाजवादी पार्टी की तरफ कोई जाने को तैयार नहीं है, इनसे नफरत कर रहा है, हर वर्ग इनसे नफरत कर रहा है। इसी इनके रवैये से, देखिए इनका इतिहास रहा है, ये हमेशा से अराजकता को जो जिस आदमी से मिलने गए थे वो यादव थे, यादव जो जमीन लूटने का काम करते थे, जो घुमाफिया थे, ऐसे लोगों से ये मुलाकात करने जा रहे हैं। एक बांग्लादेशी है जो उत्तर प्रदेश में शरणार्थी बनाते हैं, वहाँ उनको बसाने का काम करते हैं, बांग्लादेशियों को पाकिस्तानियों से रखते हैं, यही लोग है ना जो आतंकवादियों का मुकदमा वापस करते थे। तो कहीं ना कहीं अति पिछड़े समाज को 38% आबादी है। मैं तो समाजवादी पार्टी चैलेंज करता हूँ, एक राजभर चौहान, बिंद केवट, मल्ला पाल, प्रजापति, बारी बंजारा, अर्घवंशी आरक, इनके समाज को सामाजिक न्याय किया हो चार बार की सरकार में, तो कहे इन्होंने तो सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करने के लिए तो ये साथ देते नहीं है, ये एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा लागू हो इसके लिए साथ देते नहीं है, ये उत्तर प्रदेश में घरेलू बिजली का बिल माफ हो इसके लिए ये साथ देते नहीं है, ये उत्तर प्रदेश में शराब बंद हो इसके लिए ये साथ देते नहीं है, ये जातिवाद जनगणना कराने के लिए साथ देते नहीं है, ये उत्तर प्रदेश में किसानों की आमदनी दोगुनी कैसे हो इसके लिए संघर्ष करने को तैयार नहीं होते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश में गरीबों के साथ छल करना, उनको बदनाम करना, और ये कार्यालय में लगा रहे होर्डिंग के हमारे यहाँ जमीन लूटने वालों, हमारे यहाँ जमीन लूटने वालों के लिए स्थान है। अरुण जी, अभी आपके पार्टी के दो नेता समाजवादी पार्टी कार्यालय पर गए थे, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए सुहेल, भारतीय समाज पार्टी इस समय पैसा दे दे करके लोगों को अपने यहाँ एक बारूद का गोला बनाना चाहती है, उनको राजनीति में कार्यकर्ता मिल नहीं रहे हैं, उनके साथ कार्यकर्ता जाने को तैयार नहीं है, तो वो दगे हुए कारतूसों को इकट्ठा करना चाहते हैं। अब आप नेता तो इकट्ठा कर सकते हैं, लेकिन वोटर कहाँ से लाएंगे? वोटर तो नफरत कर रहा है समाजवादी पार्टी से, वोटर तो समाजवादी पार्टी के चेहरे और चरित्र से, गुंडई से तो भयभीत हो चुका है, तो कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश की जनता अब समाजवादी पार्टी के साथ जाने को तैयार नहीं है, वो सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के साथ बहुत मजबूती से खड़ी हो रही है। और आने वाले समय में माननीय ओम प्रकाश राजभर जी जो गरीब वंचित पिछड़े दलित आदिवासी मुसलमान जिसके लिए लड़ रहे हैं, समाज का हर तबका हमारे साथ खड़ा हो रहा है, आने वाले समयों में समाजवादी पार्टी समत्ववादी पार्टी बनकर के रहेगी। इसीलिए इनके कार्यकर्ता होर्डिंग लगाकर के संदेश दे रहे हैं कि अब हम जा रहे हैं, सुहेल भारतीय समाज पार्टी की ताकत आ रही है और हमारी ताकत बढ़ रही है, और आने वाले समयों में इनका चरित्र ऐसे ही रहा, तो जो गुंडागर्दी, जो भ्रष्टाचार, अरुण जी क्या लगता है कि अब सपा कभी भी समाजवादी पार्टी से गठबंधन करेगी आगे? राजनीति में संभावनाएं बनी रहती हैं, राजनीति में कोई अस्थायी दोस्त ना दुश्मन होता है, जब जिसके पास ताकत होती है लोग उसको सलाम करते हैं, जिसके पास ताकत नहीं होती है उसको कोई नहीं पूछता। आज सुहेल भारतीय समाज पार्टी की जो ताकत है, 2017-2022 का चुनाव लड़ करके समाजवादी पार्टी ने देखा है, अपने कांग्रेस के साथ भी गठबंधन करके देखा है, बसपा के साथ जाकर देखा है,
हर दल के साथ वो जाकर देखे हैं। जितनी ताकत सुहेल भारतीय समाज पार्टी ने सपा को दिया है, 2017 में 47 सीट थे और 2022 में 111 सीट हो गए, तो कहीं ना कहीं हमारी भूमिका उनके जिताने में, उनके उनको ताकत देने मिल रही है। इसीलिए समाजवादी पार्टी को ये लग रहा है कि ये बड़ी ताकत अगर हमारे से हट रही है तो कहीं ना कहीं हम उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी बनकर के रहेंगे। इसीलिए इनके कार्यकर्ता, इनके नेता या और इनके पार्टी के जिम्मेदार नेता अब माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को गाली दे रहे हैं, माँ बहन की गाली दे रहे हैं और ये अपमानित करने का काम कर रहे हैं। वो तो चाहती है समाजवादी पार्टी की कोई अति पिछड़ा नेता तैयार हो, जैसा इनके आदरणीय नेताजी स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी का चेहरा रहा कि वो अपने जीते जी किसी अति पिछड़ों को नेता नहीं बनने दिए, वो सिर्फ पाकिट का नेता बना के रखते हैं। आज उत्तर प्रदेश का हर समाज नेता के बनने को तैयार है, वो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के नेतृत्व में वो खड़ा होने को तैयार है और इसीलिए हर वर्ग हमारे साथ खड़ा हो रहा है। आप देखिए किसी राजभर चौहान के यहाँ कभी जाते हैं थाने जेल में मिलने के लिए, किसी मरनी जेनी में कभी जाते हैं, क्यों? वजह ये है कि इनको इनको डरा करके रखा जाता है, इनको प्रताड़ित करने के काम करते हैं। इसीलिए अब समाज का हर तबका इनको जान गया, इसीलिए इनसे नफरत कर रहा है, नफरत की निगाहों से देख रहा है कि अब समाजवादी पार्टी के साथ नहीं जाना है, ये हर वर्ग कह रहा है। तो ये होर्डिंग लगावे कोई हमारे लिए कोई सेहत तो कोई असर नहीं है। स्वयं भारतीय समाज पार्टी अपना महिला हक अधिकार महारैली कर रही है, हर मंडलों में हम अपना कार्यक्रम चला रहे हैं, हमारे कार्यक्रम में भीड़ जिस तरह उमड़ रही है ये स्पष्ट संदेश दे रही है कि आने वाले समयों में स्वयं भारतीय समाज पार्टी अपने नीति और अपने एजेंडे, अपने कैडर कार्यकर्ताओं के साथ हम बहुत बड़ी ताकत बना करके उत्तर प्रदेश में इतिहास रचेंगे। आने वाले समयों में जो हमारी ताकत जिस तरीके से हमारी ताकत बढ़ रही है, अरुण जी अभी देखा जाए तो हाल ही में निकाय चुनाव आने वाला है, तो सुभाषपा कहाँ है, किस तरह की तैयारी कर रही है? सुहेल भारतीय समाज पार्टी 3 लेयर में अपना प्रत्याशी चयन करने के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी कर चुकी है, हमारे प्रत्याशियों का चयन चल रहा है। हमारे कार्यकर्ता, हमारे संगठन, हमारे वोटर सिर्फ इंतजार कर रहे हैं कि निर्वाचन आयोग डेट तक का घोषणा करे और डेट की जिस दिन घोषणा होगी, देखिए सुहेल भारतीय समाज पार्टी झूठ बोलने वाली पार्टी नहीं है, स्पष्ट बात करती है कि हमारा शहरी वोट नहीं है, हमारे कार्यकर्ता, हमारे नेता वोटर बहुत ज्यादा संख्या में देहात में रहते हैं, लेकिन इस बार जिस तरह हमारे कार्यकर्ताओं ने संघर्ष किया है, संगठन बनाया है, ताकत पैदा किया, अपनी नीतियों को लेकर जनमानस में पहुंचाया है, उससे शहरी वोटर भी हमारे साथ खड़े होने के लिए तैयार है। इस बार आप देखिएगा कि बड़ी संख्या में हमारे पार्षद बनेंगे, नगर पंचायत अध्यक्ष बनेंगे, चेयरमैन बनेंगे और हम महापौर के भी चुनाव मजबूती से लड़ेंगे। जीत हार अलग होगी लेकिन हमारे वोट का कैलकुलेशन जो है हमारा बढ़ेगा, हमारे संगठन की तरह काम होगा, उसकी परिणाम हमारे पास मिलेगा। हम आने वाले समयों में अकेले दम पर नगर पंचायत चुनाव लड़ेंगे और मजबूती के साथ लड़ करके अपनी पार्टी की ताकत को बढ़ाने का है। अरुण जी 2024 लोकसभा में सुभाषपा क्या कहाँ रह रही है, किसके साथ नजर आएगी? 2024 में सुहेल भारतीय समाज पार्टी 24 करोड़ जनता के साथ रहेगी, 24 करोड़ जनता की सुरक्षा, सम्मान, भागीदारी, न्याय और उनके हिस्सेदारी के लिए जमीन से लेकर के सदन तक, सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करने का काम करेगी, हर वर्ग को जोड़ने का काम करेगी। सुहेल भारतीय समाज पार्टी नीतियों आधारित पार्टी है, संघर्ष करने वाली पार्टी है और हर वर्ग को जोड़ करके उनकी भागीदारी के लिए बोलने वाली पार्टी है। हम तो कह रहे हैं श्री अखिलेश यादव जी सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट पर सदन में कभी बोल के दिखावे या सड़क पर कभी बोल के दिखावे, हिम्मत नहीं है उनकी बोलने की। वो कभी बोल के दिखावे कि गरीबों का घरेलू बिजली का बिल माफ होना चाहिए, बोल के दिखावे नहीं बोल सकते। इनसे कहिए ना कि एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा लागू करने के लिए सदन में बोलिए, नहीं बोल सकते। ये सिर्फ और सिर्फ इनको कहिए गुंडागर्दी करने के लिए जितना बोलना है, अपराध को बढ़ाने के लिए जितना बोलना है और थाने में जो दलाली करने वाले हैं वो दलाल लोग अगर जेल चले जाना है, जो पाकिस्तानी से कनेक्शन है, जो बांग्लादेशियों से कनेक्शन है उनसे वो मिलने जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो अपना भी ठिकाना ढूंढ रहे हैं। सीबीआई ईडी सब पीछे लगी हुई है, इनका भी भ्रष्टाचार चार बार की सरकार में जो हुआ है उसका भी उजागर जांच एजेंसियां करेंगी। तो मुझे लगता है कि आने वाले समयों में समाजवादी पार्टी के भी ठिकाना जेल की सलाखों में। जी अरुण, क्या आने वाले समय में सुभाषपा भाजपा से गठबंधन करेगी? देखिए राजनीति में हम अपने एजेंडों के साथ अभी काम कर रहे हैं, किसी के साथ अभी गठबंधन की बात नहीं कर रहे हैं। हम अपने नीति और नियत के साथ हम अपने कार्यक्रम चला रहे हैं, पार्टी का संगठन और हमारे माननीय ओम प्रकाश राजभर जी महिला हक अधिकार महारैली कर रहे हैं, हम अपने कार्यक्रम चला रहे हैं, अपने अभियान के साथ खड़े हैं। आने वाले समयों में किससे गठबंधन होगा किससे नहीं होगा ये आने वाला समय बताएगा। हम जनता के सामने अपने वोटरों को भी जगा रहे हैं, अपने वोटरों को समझा रहे हैं, अपने मुद्दों को बता रहे हैं। उन्हीं आधार पर जब मजबूत वोटर खड़ा होगा तो उसके बाद फैसला हो जाएगा, जब 2024 से चुनाव आएगा तो तय किया जाएगा, अभी कोई ऐसा निर्णय नहीं। प्राइम टीवी से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका अरुण।
राजपथ पर प्रतिबंध की होर्डिंग लगाई गई सपा कार्यालय के बाहर। आपको बता दें समाजवादी पार्टी के युवा नेता ने होर्डिंग लगाई है। आपको बता दें कि ओम प्रकाश राजभर जी का कार्यालय आने पर प्रतिबंध लगाया गया है। राजभर जी का सपा कार्यालय आना प्रतिबंधित। लखनऊ में ओपी राजभर के खिलाफ सपा दफ्तर के बाहर होर्डिंग लगाई गई। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता विभांशु हमारे साथ जुड़ेंगे। विभांशु, ओम प्रकाश राजभर जी का समाजवादी पार्टी कार्यालय में आना प्रतिबंधित, एक होर्डिंग लगाई गई है। जी नंदनी, आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के प्रदेश कार्यालय पर एक विवादित पोस्टर लगाया गया था जो सुबह से वायरल हो रहा था। आपको बताएं, इस पोस्टर में साफ तौर से लिखा था कि ओम प्रकाश राजभर का पार्टी कार्यालय आना प्रतिबंधित है। और कहीं ना कहीं से देखा जाए तो सियासी घमासान जो है समाजवादी पार्टी और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के बीच कहीं ना कहीं तेज हो गई। इसको लेकर जब पोस्टर लगता है उसके ठीक बाद जब अखिलेश यादव यानी कि जो समाजवादी पार्टी के प्रमुख हैं उनको इस बात की सूचना मिलती है तो उस पोस्टर को हटवा देते हैं। और आपको बताइए, पोस्टर समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पे अपनी जिम्मा निभाने वाले संतोष सिंह की तरफ से लगाया गया था। आपको बताया कि 2022 चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ सुहेलदेव समाज पार्टी गठबंधन का हिस्सा थी, मगर उसके चुनाव बीतने के बाद कहीं ना कहीं ओम प्रकाश राजभर गठबंधन से अलग होते हैं और अखिलेश यादव पे कई सवाल खड़े करते हैं, जिसमें कहा गया था ओम प्रकाश राजभर की तरफ से कि अखिलेश यादव एसी कमरे से बाहर नहीं आते हैं। साथ ही साथ मयूरी नंदनी, आपको बता दें कि ऐसे कई सारे आरोपों पर समाजवादी पार्टी और सुहेल देव समाज पार्टी के जो प्रवक्ता हैं उनका ट्विटर पे लगातार बीच बनी हुई है। और वहीं अगर बात की जाए तो अभी आपने देखा कि प्राइम टीवी से खास बातचीत में अरुण राजभर ने कहा कि हम एक मुद्दे को लेकर लड़ रहे हैं, गरीब असहाय मजदूर और तमाम किसान और ऐसे कई सारे वर्गों की लड़ाई हम लड़ रहे हैं, साथ ही साथ महिलाओं की सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं। वहीं अगर बात की जाए तो ओम प्रकाश राजभर के सवाल पर अरुण राजभर ने जब कहा कि हम गठबंधन का कभी हिस्सा थे और कहीं ना कहीं उनकी तरफ से कहा गया कि आने वाले समयों में हम कभी समाजवादी पार्टी से गठबंधन नहीं करेंगे। वहीं अगर बात की जाए नंदनी, तो ओम प्रकाश राजभर अभी बात करें तो कहीं ना कहीं गठबंधन से अलग होने के बाद भारतीय जनता पार्टी से उनकी जो करीबियां हैं वो बढ़ती जा रही हैं। आपने देखा कि अटल बिहारी फाउंडेशन जो 25 दिसंबर पे एक आयोजन हुआ था, उस आयोजन के प्रदेश उपाध्यक्ष बनाए गए थे, उस आयोजन के उपाध्यक्ष बनाए गए थे। विभांशु, अभी अखिलेश यादव ने उस होर्डिंग को हटवा दिया है तो इसका क्या राजनीतिक माने निकाला जाए? जी, इस पे साफ तौर से अगर बात की जाए तो जो होर्डिंग लगाने का काम होता है वो सभी नेता आकर बधाई संदेश देते हैं, साथ ही साथ अगर देखा जाए तो ओम प्रकाश राजभर के प्रतिबंधित सपा कार्यालय में प्रतिबंधित का जो पोस्टर था वो समाजवादी पार्टी के एक युवा नेता के द्वारा लगाया गया था। अगर बात की जाए तो इसे समाजवादी पार्टी के गेट के बाहर ये होर्डिंग लगाई गई थी। उसके ठीक बाद जब समाजवादी पार्टी के नेताओं को और खासकर अखिलेश यादव को इस बात का पता चला तो उन्होंने ये पोस्टर उतरवा दिया, क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये सोशल मीडिया पे वायरल होने लगा, लोगों का कटाक्ष इस पे आने लगा। अब देखने वाली बात ये होगी ओम प्रकाश राजभर इस पोस्टर पे क्या कहते हैं, मगर उनके पुत्र जो मुख्य प्रवक्ता के तौर पर पार्टी का जिम्मा संभाल रहे हैं अरुण राजभर, उन्होंने साफ तौर से कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी पे एक बार फिर निशाना साधते हुए कहा कि वो जो गरीब असहाय की लड़ाई लड़ रहा है उन्हें वो टारगेट बना रहे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि अखिलेश यादव या ओम प्रकाश राजभर इस पोस्टर पे क्या बयान देते हैं। जी, देखा जाए तो जो 2022 का विधानसभा चुनाव हुआ था तो शिवपाल कहीं ना कहीं राजभर को वापस लेकर आए थे, तो क्या लगता है आगे भी वो वापस लेकर आएंगे राजभर को? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो समाजवादी पार्टी से और सुहेलदेव समाज पार्टी का गठबंधन से पहले कहीं ना कहीं देखा जा रहा था कि शिवपाल यादव उस समय अपनी पार्टी का विलय नहीं किए थे और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। उस दौरान वो अगर बात की जाए तो जन अधिकार पार्टी के बाबू सिंह कुशवाहा, साथ ही साथ AIMIM के प्रमुख अवैसी और साथ ही बात की जाए तो सुहेलदेव समाज पार्टी के ओम प्रकाश राजभर के साथ कहीं ना कहीं गठबंधन बनाने का प्रयास किए थे, मगर वो गठबंधन पूरा नहीं हो गया था। आम तौर पर अगर देखें तो ऐसे कई सारे बयानों में शिवपाल यादव और ओम प्रकाश राजभर एक दूसरे को अपना मित्र बताते हैं, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो चाचा शिवपाल के समाजवादी पार्टी में एंट्री के बाद से कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी में रफ्तार जो है
जो कहीं ना कहीं सक्रियता है वो बढ़ी है। और बात की जाए तो ओम प्रकाश राजभर और शिवपाल एक अच्छे दोस्त है, तो कहीं ना कहीं देखे तो ओम प्रकाश राजभर तो क्या लग रहा है शिवपाल फिर कोशिश कर रहे हैं राजभर को वापस लाने की? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो ये गठबंधन जो होता है ये बंद कमरों में होता है, उसके बाद उसकी घोषणा की जाती है। अगर बात की जाए तो ओम प्रकाश राजभर को लेकर ऐसे कई सारे सपा के नेता कह चुके हैं कि उन्हें हम गठबंधन का हिस्सा कभी नहीं बनाएंगे, और वहीं ओम प्रकाश राजभर इस बात को कहते हुए नजर आते हैं कि वो कभी सपा के साथ गठबंधन नहीं बनाएंगे। मगर ये राजनीति है, कब किस तरफ हवा चल जाए इसके आशंका इसका आभास नहीं लगा सकते, वो आने वाले दिनों में साफ होगा। मगर कहीं ना कहीं ओम प्रकाश राजभर और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवपाल यादव एक अच्छे दोस्त हैं, तो आने वाले दिनों में हो सकता है कि साथ हो, मगर कहीं ना कहीं अभी देखें तो अरुण राजभर साथ ही साथ ओम प्रकाश राजभर अरविंद राजभर जो पूरे सुहेलदेव समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेता हैं वो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलने में कतरा रहे हैं, तो इससे सियासी मायने लगाए जा रहे हैं कि क्या 2024 के चुनाव में ओम प्रकाश राजभर के भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन करके अब गठबंधन का हिस्सा रहते हुए चुनाव लड़ेंगे, ये आने वाले दिनों में साफ होगा। मगर हाल फिलहाल में वो मुख्यमंत्री से मुलाकात करते हैं, गृह मंत्री से मुलाकात करते हैं, इससे कहीं ना कहीं भाजपा से जो नजदीकियां बढ़ती जा रही हैं, तो इससे ये साफ हो रहा है कि 2017 चुनाव को एक बार फिर वो 2017 के तर्ज पे लड़ेंगे, जैसे वो 2017 में भारतीय जनता पार्टी के साथ लगभग 17 महीने वो सरकार में मंत्री रहे, मगर उसके बाद वो गठबंधन को तोड़कर अलग हो गए और 2022 में सपा के साथ गए। अब देखने वाली बात ये होगी कि निकाय चुनाव में वो किसके साथ जाते हैं और 2024 में वो किस तरफ करवट पलटते हैं। जी तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका विभांशु। उन्नाव में मासूम बच्ची के साथ युवक ने की दुष्कर्म की कोशिश, खबर उन्नाव से है। आपको बता दें जहां मासूम बच्ची के साथ युवक ने दुष्कर्म की कोशिश की, पीड़ित मां ने कोतवाली में दर्ज कराई शिकायत। पुलिस ने पीड़ित मासूम को मेडिकल के लिए भेजा, खबर उन्नाव से है। सफीपुर कोतवाली क्षेत्र के उधमपुर का है पूरा मामला। उन्नाव में मासूम बच्ची के साथ युवक ने की दुष्कर्म की कोशिश, पीड़ित मां ने कोतवाली में दर्ज कराई शिकायत। खबर उन्नाव से आ रही है जहां दुष्कर्म बच्ची के साथ दुष्कर्म की कोशिश की गई, पुलिस ने पीड़ित मासूम को मेडिकल के लिए भेजा। सफीपुर कोतवाली क्षेत्र के उधमपुर का है पूरा मामला। उन्नाव में मासूम बच्ची के साथ युवक ने की दुष्कर्म की कोशिश, पीड़ित मां ने कोतवाली में दर्ज कराई शिकायत। पुलिस ने पीड़ित मासूम को मेडिकल के लिए भेजा, खबर उन्नाव से है। आपको बता दें सफीपुर कोतवाली क्षेत्र के उधमपुर का है पूरा मामला। लखनऊ में नागरिक सुविधा दिवस में जन सुनवाई, गोमती नगर में आयोजित हो रही है नागरिक सुविधा दिवस। आम लोगों की कई समस्याओं का समाधान, डीएम सूर्यपाल गंगवार पहुंचे विकास प्राधिकरण। डीएम मंडलायुक्त रोशन जैकब कर रहे हैं जनसुनवाई में लोगों की लंबी कतार। बड़ी संख्या में लोग अपनी समस्या को लेकर पहुंचे, बड़ी बड़ी समस्याओं का नागरिक सुविधा में लगा अंबार। लखनऊ में नागरिक सुविधा दिवस में जन सुनवाई, गोमती नगर में आयोजित हो रही है नागरिक सुविधा दिवस। आम लोगों की कई समस्याओं का समाधान, बता दें गोमती नगर में जन सुनवाई लगाई गई जिसमें डीएम सूर्यपाल गंगवार पहुंचे विकास प्राधिकरण। डीएम मंडलायुक्त रोशन जैकब कर रहे हैं जनसुनवाई में लोगों की लंबी कतारें लगी हैं।
बड़ी संख्या में लोग अपनी समस्या को लेकर पहुंचे। बड़ी बड़ी समस्याओं का नागरिक सुविधा में लगा अंबार। नागरिक सुविधा दिवस जन सुनवाई की जा रही है लखनऊ के गोमती नगर में। गोमती नगर में आयोजित हो रही है नागरिक सुविधा दिवस। आम लोगों की कई समस्याओं का समाधान किया जा रहा है नागरिक सुविधा दिवस में। डीएम सूर्यपाल गंगवार पहुंचे विकास प्राधिकरण। और इस खबर पे अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता रितेश हमारे साथ जुड़ेंगे। रितेश, जन सुनवाई दिवस का आयोजन किया गया है? गोमती नगर में जन सुनवाई दिवस का आयोजन किया गया है। नागरिक सुविधा दिवस जन सुनवाई किया गया। आपको बता दें गोमती नगर में आयोजित हो रही है नागरिक सुविधा दिवस। आम लोगों की कई समस्याओं का समाधान। और इस खबर पे जुड़ेंगे हमारे साथ रितेश। रितेश, गोमती नगर में जन सुनवाई दिवस का आयोजन किया गया? देखिए, आज नागरिक दिवस सुविधा दिवस मनाया जा रहा है। यहाँ कार्यक्रम का आयोजन हुआ है लखनऊ विकास प्राधिकरण में हो रहा है। यहाँ पर कई अधिकारी बैठे हुए हैं एक छत के नीचे। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे मंडलायुक्त बैठे हुए हैं, जिलाधिकारी बैठे हुए हैं और जितने भी डिपार्टमेंट है, जलकल है, नगर निगम है, मार्ग विकास है, यातायात व्यवस्था है, जितने भी डिपार्टमेंट है सारे डिपार्टमेंट को यहाँ बैठाया गया है। लगातार ये जो कवायद शुरू की गई थी मंडलायुक्त की तरफ से की गई थी पिछले महीने में भी आखिरी मंगलवार को इसका आयोजन किया गया था। तो नागरिक सुविधा दिवस का आज भी यहाँ पर नागरिक सुविधा दिवस का आयोजन किया गया। यहाँ पर बहुत दूर दराज से लोग आए हुए हैं, वो अपनी समस्याओं को निस्तारण के लिए आए हुए हैं। लेकिन यहाँ पर कई ऐसे लोग हैं जिनके पास इतनी समस्याओं का अंबार है, जिनकी समस्याओं का अभी तक निस्तारण नहीं हुआ है। पिछली बार भी आए थे और अब की बार फिर आए हैं हमारे साथ कुछ लोग बात करने के लिए। हम उनसे पूछते हैं और उनसे जानते हैं कि क्या समस्या थी, कौन सी समस्या अपनी आप लेकर के आए थे और क्या बताया गया यहाँ पर, क्या कहा गया। देखिए, ये जन सुविधा समस्या केंद्र जो बनाया गया है ये केंद्रीय समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ पर कोई कार्य मुझे तो नहीं लगता कि यहाँ पर काम होता है या जन सुविधा नाम से कोई चीज चल रही है। क्योंकि IGRS में जिस तरीके से मुख्यमंत्री की जो ये महत्वाकांक्षी योजना थी उसको पलीता लगा रहे हैं, यही अवसर पलीता लगा रहे हैं। आज भी उसी के लिए मैं आया था। IGRS मैंने किया था नगर निगम, उसकी कंप्लेंट करने आया था कि IGRS पे जो ये समस्या आ रही है हम लोगों के लिए, जो यहाँ के जितने भी लोग हैं जो IGRS करते हैं उनको ये जन सुविधा नहीं मिल पाती, और इसमें जितने भी अधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं बस केवल इसको टाल मटोल करने की स्थिति बनाए रखते हैं, जैसा कि आज भी मेरे साथ हुआ है। हमने मंडलायुक्त महोदय को ये पत्र दिया तो उन्होंने अपनी बात को आगे भेज दिया DM साहब के लिए। तो DM साहब को जब दिया तो DM साहब, क्योंकि जनहित की मैं इस मुद्दे को उठाया था कि जनहित में ये काम होने चाहिए थे कि वहां अंधेरा रहता है, लाइट होनी चाहिए, तो हमसे DM साहब ने कह दिया कि वहां के क्षेत्रीय जो नागरिक हैं उन लोगों का हाउस टैक्स और वाटर टैक्स लेकर आइए, जब तक आप उसको लेकर नहीं आएंगे कार्य कुछ नहीं होगा। तो इस तरीके से ये जन सुविधा का जो आप खिलवाड़ बनाए हैं ये मुझे नहीं लगता कि कहीं ना कहीं लोगों को राहत मिलेगी। और ऐसे ही मुख्यमंत्री के IGRS पोर्टल को भी इन लोगों ने ही सारे अधिकारियों ने मिलकर बहुत गलत तरीका अपनाया हुआ है और केवल टालमटोल की स्थिति बनी रहती है। ये देखिए, नागरिक सुविधा दिवस इसलिए मनाया किया जा रहा है कार्यक्रम, ताकि यहाँ पर जो समस्या है जनता की समस्याओं का निस्तारण किया जाए। एक छत के नीचे अगर 50 अधिकारी बैठ रहे हैं तो 50 अधिकारियों का बैठने का मतलब ये होता है कि उस समस्याओं का तत्काल निस्तारण किया जाए। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से भरमार लगा हुआ है ये देखा जा सकता है साफ तौर पर, एक दिन में दो दिन में समस्याओं का ये जो जखीरा है ये समाप्त नहीं होने वाला है। फिलहाल अधिकारी कहीं ना कहीं अपने कान में जू नहीं रहता और किसी तरीके के वो पेन लेना नहीं चाहते तो अपने छोटे अधिकारियों पर डाल देते हैं। अब अधिकारी क्या करते हैं, वो चक्कर पे चक्कर लगवा देते हैं। यहाँ पर जितने लोग भी अपनी समस्याओं को लेकर के आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं उनको टेबल टू टेबल दौड़ना पड़ रहा है। और भी कुछ लोग हैं बात करने के लिए आए हुए हैं, आप कहाँ से आए हैं, क्या समस्या है? मैं जानकीपुरम विस्तार संयुक्त कल्याण महापालिका महासचिव दिनेश पांडे। और आज जो स्थिति ये थी कि हमारे यहाँ 29 नवंबर को मंडलायुक्त महोदया ने दौरा किया था और जानकीपुरम विस्तार की सारी समस्याओं से हम लोगों ने उनको रूबरू कराया।
उसके पश्चात हम लोग पुनः जब समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो पुनः उनसे मिले जाते हैं। स्थिति ये रही कि उन्होंने कुछ थोड़ा बहुत काम शुरू किया, बड़े काम से इस बीच नगर निगम को हस्तांतरण कर दिया था। नगर निगम के हस्तांतरण करने की प्रक्रिया में जो काम शुरू होने वाले थे वो भी बंद हो गए थे। तो आज ये मौका था यहाँ पे नगर निगम के नगर आयुक्त साहब थे, एनडीएमसी साहब थे, डीएम साहब थे, जो हम लोगों ने यहाँ पे अपना शिकायती प्रार्थना पत्र था एक एक बिंदु पे कमिश्नर मैडम ने सारे अधिकारियों से पूछा और उनको आदेशित किया कि उसको समयबद्ध तरीके से इनकी समस्याओं का समाधान है। तो आज हम लोगों को कुछ आशा बंदी समस्याओं का समाधान, कम से कम 22 वर्ष पुरानी योजना थी, इसमें जो विकास का करना था लखनऊ विकास प्राधिकरण को करना था, जैसे सामुदायिक केंद्र, आज हमारे किसी भी सेक्टर में कोई सामुदायिक केंद्र नहीं है, पोस्ट ऑफिस नहीं है, सड़कें नहीं है, तमाम मतलब फुटपाथों पे कब्जे हैं, ग्रीन बेल्ट पे है, तो इन सब चीजों पे अब कार्रवाई एक हम लोगों को आशा बनी है। आज इसमें जब हम लोगों ने शिकायती पत्र दिया मंडलायुक्त महोदय को, उन्होंने सारे अधिकारियों को एक एक पॉइंट पे उससे पूछा और उसका समय निर्धारित करते हुए कि कब तक हमारी समस्याओं को, तो देखिए आशा कर सकते हैं कि हमारी इन समस्याओं में से कुछ समस्याओं का समाधान हो सके। आप कहाँ से आई हैं, क्या समस्या आती है? नेहरू क्लेट से आए हैं, नेहरू क्लेट कॉलोनी एलजे ने 30 साल पहले बनाई थी और बनाकर इसको लावर छोड़ दिया। हमसे कहा जाता है कि हमने हैंड ओवर कर दिया नगर निगम को और नगर निगम से कहा वाले कहते हैं कि हमको हैंड ओवर नहीं हुई है, तो हमारी कॉलोनी का विकास इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि दोनों की आपसी लड़ाई है। आप हम लोग जागरूक हुए और खुद अपनी लड़ाई लड़ना शुरू किए तो हमने नगर निगम और एलडीए दोनों में हम हाथ धोड़ करके अपनी समस्या बता रहे हैं, जिसमें हमारी मुख्य समस्या है कि एक कूड़ा घर उन्होंने फंड के पीछे हमारी कॉलोनी में बनाया हुआ उसको समाप्त किया जाए। सरकार की कमी योजना भी चल रही है कि कूड़ा घर को समाप्त करकर क्रिकेट का मैदान बनाइए, खेल का मैदान या बगीचा बनाइए। दूसरा हमने कहा कि हमारी कॉलोनी में 13 पार्क है और 13 पार्क में एक ही पार्क ऐसा नहीं है जहाँ हमारे बच्चे अपना शारीरिक व्यायाम या खेल सके, तो उसके लिए 2 साल से मैं लगातार एलडीए में आ रही हूँ और बार बार कह रही हूँ आप एक पार्क बना दीजिए जिसमें आप 13 नहीं कर सकते वो एक बनाइए जिससे हमारे बच्चे वहाँ आकर खेल सके, छोटे बच्चे तो भी वो बाहर नहीं जा सकते। दूसरा सड़क हमारे यहाँ 10 साल से नहीं बनी, आंतरिक सड़क सारी नहरी क्षेत्र की टूटी हुई है, जिसको बनाने के लिए अभी कोशिश की नगर निगम ने कि हम पैचिंग करेंगे, पैचिंग नहीं की काला पाउडर ला के वो डाल गए। उस समस्या को मैंने पिछली बार भी उठाया था और आज भी कहा है कि आप छोटी छोटी हमारी समस्या समाधान कर दीजिए, अगर बड़ी नहीं कर सकते हैं तो कमिश्नर मैडम ने आश्वासन दिया है पार्क का जो कार्य करने का, एलडीएफ भी कहा है कि आप कराइए बाकी सड़क और अन्य समस्याओं के लिए नगर निगम को भी कहा है। लाइटें हमारे यहाँ लगी हुई है, कुछ जगह बहुत ज्यादा लगा दी है, कुछ जगह बिल्कुल नहीं लगाई है। हमारा ये कहना है कि आप पूरी कॉलोनी में लाइटें इस तरह लगाइए कि अंधेरा ना रहे, क्योंकि दुर्घटनाएं होती है और चोरी होती है। पास में जिगोली एक जगह है, गाँव है, उसके सारे जानवर क्योंकि बाउंड्री वॉल नहीं है नेहरू क्लियर में, वो सब नेहरू क्लियर में घूमते रहते हैं, कुत्ते हैं वो घूम रहते, तो हमारे यहाँ पे भी छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, सड़क से निकल भी नहीं पाते हैं। तो ये समस्याएं इनको सब पता है और बार बार हम लोग मीटिंग करते हैं डीसी के साथ, कॉलोनी के लोग आकर बात करते हैं पर कोई समाधान नहीं होता है। आप थोड़ी आशा जागी, आज मतलब आश्वासन दिया है कि एलडीए पार्क बनवाएगा सड़क और कुछ काम कहीं कहीं ना कहीं इनकी समस्याओं का जो इनका जो समस्या थी उसके लिए यहाँ पर पहुंचे थे। हालांकि डीए तले अंधेरा है, जब लखनऊ जैसी राजधानी में इस तरीके के समस्याओं का अंबार लगा हुआ है तो आप सोच सकते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों का क्या हाल होगा। अब लखनऊ की ही बात करें तो लखनऊ के जानकीपुरम क्षेत्र में आता था, वहाँ से भी कुछ लोग बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद थे, इनके सामने क्या समस्या है, इनके यहाँ बताते हैं कि यहाँ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, किसी प्रकार के चिकित्सक नहीं है, कोई किसी प्रकार का रख रखाव वहाँ नहीं है और सबसे बड़ी समस्या इनके यहाँ फीवर की आ रही है, तो फीवर कहीं ना कहीं उठाया हुआ बैठा हुआ, उसके लिए भी यहाँ पर कुछ लोग मौजूद है, उससे बात करते हैं क्या बड़ी समस्या आती थी। मैं अरविंद कुमार दत्ता, अध्यक्ष जानकी कल्याण महासंघ की, आज हम यहाँ पर आए, एलडीए अधिकारी और कमिश्नर साहब से मुलाकात हुई और हमने जानकी कुम विस्तार की समस्याएं जो है मेन, एक तो ग्रीन बेल्ट का सौंदर्यकरण, क्योंकि ग्रीन बेल्ट में मैक्सिमम में लगी हुई है तो उसका सौंदर्यकरण होना चाहिए। 3 तालाब का सौंदर्यकरण की बात रखी हमने और फुटपाथों से अतिक्रमण हटाने की बात रखी और नाले नालियों का निर्माण, और जैसा कि सीवर पर कनेक्टिविटी अब भी हमारे यहाँ पूरी नहीं है जिससे सीवर की समस्या आए दिन बनी रहती है, और कमिश्नर साहब और एलडीए वीसी ने आश्वासन भी दिया है और इस कार्य योजना पर काम करने के निर्देश।
अब आप देख सकते हैं कि नागरिक सुविधा दिवस जो यहाँ पर किया जा रहा है कार्यक्रम, यहाँ पर कहीं ना कहीं पूरे पूरे राजधानी के सूबे के जितने भी बड़े बड़े अधिकारी वहाँ पर इस समय लखनऊ विकास प्राधिकरण में मौजूद हैं और बैठे हुए हैं। यहाँ पर जिस तरीके से मंडलायुक्त बैठी हुई है, जिलाधिकारी बैठे हैं, नगर आयुक्त भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो सभी अपनी समस्याओं को लेकर के यहाँ पहुंच रहे हैं। कुछ की समस्याएं हल हो रही है और कुछ की समस्याएं जल्दी तक बनी हुई है, जिसका कारण सबसे बड़ा यह है कि अधिकारी कहीं ना कहीं फाइलों को लेते हैं और रद्दी में डाल देते हैं। वो नागरिक सुविधा दिवस पर फरियादियों की उमड़ी भीड़, समस्याओं का लगा अंबार। विकास प्राधिकरण ने मीडिया के अंदर जाने पर लगाई रोक। बड़ी खबर सामने आ रही है, आपको बता दें लखनऊ में नागरिक सुविधा दिवस पर फरियादियों की उमड़ी भीड़। लखनऊ में पीजीआई अस्पताल में सुरक्षा में सेंध की लंबी कतार लगी। बेखौफ चोरों ने 25 लाख का सामान किया चोरी। सुरक्षा गार्ड के होने के बावजूद भी हुई चोरी। पुलिस मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच में जुटी। लखनऊ में पीजीआई अस्पताल की सुरक्षा में सेंध लगी। लखनऊ में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने दिखाई दरिया दिली। बलरामपुर अस्पताल में पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। मॉकड्रिल का जायजा लेने पहुंचे डिप्टी सीएम। ठंड से कांपते मरीज को डिप्टी सीएम ने पहनाई अपनी सदरी। लखनऊ में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने दिखाई दरिया दिली। बलरामपुर अस्पताल में पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। मॉकड्रिल का जायजा लेने पहुंचे डिप्टी सीएम। ठंड से कांपते मरीज को डिप्टी सीएम ने पहनाई अपनी सदरी। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता विवेक हमारे साथ जुड़ेंगे। विवेक, डिप्टी सीएम ने जिस तरीके से कल निर्देश दिए थे मॉकड्रिल किया जाएगा, तो वो बलरामपुर अस्पताल में पहुंचे मॉकड्रिल का जायजा लेने के लिए। देखिए नंदिनी, कोरोना के प्रबंधन को लेके देश के सभी जो कोविड अस्पताल हैं उनमें मॉकड्रिल का एक कार्यक्रम चला है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में जो है डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने बलरामपुर अस्पताल पे मॉकड्रिल लॉन्च किया, क्योंकि ये कोविड अस्पताल है और यहाँ पे कोविड वार्ड में जाके कोविड वार्ड के L2 वार्ड में जाके उन्होंने सारी व्यवस्थाएं देखी और जो बेड आरक्षित किया गया है कोविड वार्ड के लिए, जो वेंटिलेटर वहां पे लगा हुआ है, ऑक्सीजन की क्या व्यवस्था है, हर चीज को खुद जायजा लिया, खुद निरीक्षण किया, ताकि अगर ऐसे हालात बनते हैं कि केसेस जो है बढ़ने लगे। अभी तो फिर उत्तर प्रदेश में सिर्फ दो ही उन्नाव और आगरा के नए वेरिएंट केस है, लेकिन किसी लखनऊ में कोई केस बढ़ता है तो क्या हमारी व्यवस्था है कोरोना को लेकर, इस नए वेरिएंट को लेकर किस प्रकार से हम सजग और तैयार हैं, उसके लिए एक मॉडल किया गया था, जहां सूबे के उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जो वहां पे पहुंचे थे। और इस दौरान जो है उनका एक मानवतावादी एक पल भी देखने को मिला कि अस्पताल में एक मरीज था जो ठंड से कांप रहा था, तो उन्होंने तुरंत जो है वहां जाके उसका हालचाल लिया और ठंड से कांपते मरीज को जो है अपनी सदरी भी फैलाई और एक प्रकार की दरिया दिली भी दिखाई डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने। जिस प्रकार से ये मॉकड्रिल चल रही है, कोरोना को लेकर सरकार जितनी सजग और सतर्क है उसको देख के कह सकते हैं कि बलरामपुर अस्पताल प्रशासन ने भी अपनी पूरी जो है वो तैयारी कर ली गई है। कुल क्योंकि ये एक महामारी है और हम इस महामारी को पहले से भी इसके दंश को झेल चुके हैं। सारी अव्यवस्थाएं थी, कितनी जनता परेशान थी, हर प्रकार से चीजें, मतलब एक समय मान लीजिए कि कोरोना जो है वो ठप सा कर गया था आम आदमी की जिंदगी को, तो उस प्रकार की चीजें हो ना पाए दोबारा, इसके लिए प्रदेश सरकार लगातार जो है इस ओर में एक कदम उठा रही है। आज मॉकड्रिल करने का उद्देश्य यही था कि कितना जो है हमारी तैयारी है कोरोना को लेकर। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका विवेक। कुछ भाव पुष्प
आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।